राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष रविवार प्रदोष की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफ़ी महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूद जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूद जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूद जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विज्ञान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रांत काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हुए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा धार्मिक चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में ओम नमः
शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।